नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, परिवार में सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। तो चलिए, आई हूँ आपके सामने एक और नई कहानी लेके। ये कहानी एक मजदूर की है। ये हर एक मजदूर की कहानी है जो मजदूरी करता है और बदले में उसे पैसे मिलते हैं, लेकिन उसके मन में क्या चलता है ये कोई नहीं जानता। तो चलिए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। ये कहानी है श्यामा और बिरजू की। श्यामा और बिरजू मजदूर हैं। वो बहुत गरीब हैं, इसीलिए अपना घर का खर्चा चलाने के लिए वो मजदूरी करते हैं। श्यामा घर का काम भी करती है और पति के साथ मजदूरी करने भी जाती है। वो जो भी मरम्मत का काम होता है या कोई नया बिल्डिंग तैयार करनी है, नया मकान घर बनाना हो, तो श्यामा वहाँ जाती है और वो गिट्टी और सीमेंट वगैरह अपने सर पे रख के उसे ढोती है। दूसरी तरफ उसका पति बिरजू, वो भी पेशे से मजदूर है। श्यामा और उसका पति बिरजू बहुत कड़ी मेहनत करते थे। उनसे वो सेहत से भी बहुत तगड़े नहीं थे, वो कमज़ोर थे, लेकिन घर का खर्च चलाने के लिए मजदूरी करना उनकी मजबूरी थी। बिरजू और श्यामा को एक काम मिला, बहुत बड़े ठेकेदार के यहाँ वो मकान बनाने का उनको काम मिला। वो सुबह जल्दी ही घर से निकल जाते थे और काम करते करते देर शाम हो जाती थी। उन्हें रोज़ घर आने में लेट हो जाता था, काम बड़ा था, वो चाहते थे कि इसे जल्दी पूरा कर लिया जाए। गर्मियाँ भी आने वाली थी और गर्मियों में मजदूरी करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत भूख प्यास लगती है, बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है, इसीलिए वो चाहते थे कि सुबह जल्दी जाएं और देर तक काम करें ताकि ये काम जल्दी हो जाए और उन्हें जल्दी पैसे मिल जाए मालिक से। बिरजू और श्यामा इसी तरह रोज़ मेहनत करते थे और मजदूरी करते थे। उनके साथ काम करने वाले उनके अन्य साथी भी बहुत मेहनत करते थे। वहाँ और औरत और आदमी आते थे जो घर बनाने में, मकान तैयार करने में उनकी मदद करते थे। आखिर एक मकान एक कोई अकेला मजदूर नहीं बना सकता, उसको बनाने के लिए बहुत तादाद में मजदूर की ज़रूरत होती है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इसी तरह बिरजू और श्यामा भी जाया करते थे और मजदूरी करते थे। देखते ही देखते ज्येष्ठ का महीना आ गया और ज्येष्ठ मौसम में तो कितनी गर्मी रहती है, ये तो आपको पता ही है। वो लोग घर से सूखी रोटी, प्याज और मिर्च लेके जाते थे खाने के लिए, और काम करते करते जब वो थक जाते थे और जब उनकी छुट्टी होती थी दोपहर का खाना खाने के लिए, तो वो खाते थे और दोनों आपस में बात करते थे कि क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी ही निकल जाएगी मजदूरी करते करते। लेकिन उसकी पत्नी उसे ढांढस बांधती थी कि आप इतना मत सोचिए, हमारे अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और वो इसी तरह धीरे धीरे काम करते रहे। एक दिन गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी, श्यामा बार बार पानी पी रही थी, उसके माथे से पसीना आ रहा था, उसकी साड़ी पसीने से पूरी चिपक गई थी मानो वो नहा के आई है। सारे मजदूर का यही हाल था, गर्मी ही कुछ ज़्यादा थी, आखिर करते क्या। हर मजदूर की यही कहानी है, आखिर उन्हें पंखा ऐसी तो नहीं मिलता, वो गर्मी में ही काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, यही तो उनका पेशा है। धीरे धीरे उनका काम ख़त्म होने लगा, मकान बन के तैयार होने वाला था और एक दिन काम से वापस आते समय श्यामा ने मकान की तरफ देखा और बोला कि देखिए जी, धीरे धीरे हमने मेहनत करके इस मकान को 4-5 मंजिले खड़ा कर दिया है और हमारा काम अब जल्द ही ख़त्म होने वाला है। उसके मन में ये उत्साह था कि उन लोगों ने मेहनत करके मकान को जल्दी बना दिया, लेकिन उसके मन में ये डर भी था कि इस काम ख़त्म हो जाने के बाद उसे कोई दूसरा काम मिलेगा कि नहीं, और अगर मिलेगा तो वो काम कैसा होगा, कहीं कड़ी धूप में तो नहीं करना होगा या किसी छत के नीचे का काम होगा। यही सोचते हुए वह घर आ गई। इसी तरह दिन गुजरे और देखते ही देखते मकान का काम पूरा हो गया। अभी गर्मियां ही चल रही थी।
एक दिन अचानक बारिश हो गई और वो लोग उस दिन ज़्यादा काम नहीं किए, लेकिन उन लोग को इस बात की तसल्ली थी कि चलो कम से कम मौसम तो ठंडा हुआ। रास्ते में आते समय श्यामा ने 3-4 समोसे ले लिए थे कि घर चल के खाऊंगी, मौसम अच्छा हो रहा है। हालांकि उन लोग की पगार इतनी नहीं थी कि वो रोज़ ऐसा कुछ अच्छा खा सके, लेकिन कभी कभी तो हर किसी का मन कर ही जाता है। बिरजू ने कहा, तुम्हें खाना है तो तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। श्यामा समझ गई थी कि बिरजू ऐसा इसलिए कह रहा है ताकि ज़्यादा पैसे ना खर्चा हो। श्यामा ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैंने सिर्फ 2 ही समोसे लिए हैं। चलिए अब इतनी भी क्या कंजूसी करना। धीरे धीरे मकान का काम ख़त्म हो गया और श्यामा और बिरजू को उस काम से विदाई लेने का समय आया। मालिक ने उनका पूरा हिसाब कर दिया। जाते समय श्यामा और बिरजू मकान की तरफ मुड़ के देखे और उनके आंखों में आंसू आ गए। बिरजू और श्यामा एक दूसरे को देखते हुए रो पड़े और बोले, हम मजदूर की ज़िंदगी यही है, इतनी कड़ी मेहनत करके धूप में एक एक ईंटा जोड़ के हम ये घर तैयार करते हैं, हम ये मकान बनाते हैं और अंत में हम कुछ चंद रुपए लेके यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ हमें रहने के लिए एक दिन भी नहीं मिलता। क्या यही हमारी ज़िंदगी है? क्या यही एक मज़दूर की ज़िंदगी है? तो चलिए दोस्तों, मेरा आज का यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप इस स्टोरी को लाइक कर देना और नीचे कुछ कमेंट डाल देना स्टोरी के लिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे पुराने जो भी वीडियोज़ हैं उसे प्लीज़ देखिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।